वेलकम गाइड वेलकम बैक टू यून चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में आज की मार्केट देखेंगे तो अच्छे बोथ साइड मूव हमें देखने को मिले मॉर्निंग में एक गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन उसके बाद काफी शार्प सेल ऑफ देखने को मिला और लोअर लेवल से फिर पूरी मार्केट में हमें रिकवरी भी देखने को मिली वी शेप रिकवरी और जिन लेवल से फॉल आया था उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट जाके फिर से क्लोज होती है ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की मार्केट ही थी मॉर्निंग में एक अच्छा डिसेंट फॉल आया लेकिन डिप को तो आप बाय कर सकते थे एंड पूरा फॉल फिर बाद में रिकवर भी हुआ है क्या आप टॉप ही पुट्स में एंट्री कर सकते थे कर सकते थे अगर आपने हमारे सेटअप को फॉलो किया था डिटेल में सेटअप भी बात करेंगे एंड कल है एक्सपायरी तो एक्सपायरी में क्या सेटअप है क्या इंपॉर्टेंट लेवल से कैसे आपको ट्रेड्स बनाने सब कुछ डिटेल में बात करने वाले बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे चलिए पार्ट पे आते हैं क्या हुआ मार्केट में पहले बैंक निफ्टी देखते हैं फिर निफ्टी की बात करेंगे ये देखिए मार्केट में स्लाइटली पॉजिटिव और गैप अप ओपनिंग अब ओपनिंग में ही आपको एक गज़ब का ट्रेड मिला है कैसे पहली चीज़ यहां पे हमारा लेवल है 43,350 और ये बहुत पहले से लेवल है जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता है हम लेवल चेंज नहीं करते हैं सेम लेवल पहले से ही वर्क करता हुआ आ रहा है यहाँ पे हमारा लेवल भी है जो रजिस्टेंस है सिंपली आपको बताया था इसका ब्रेकआउट मिलेगा सिर्फ तभी कॉल्स में एंट्री बनेगी पहली चीज़ सेकेंडली यहाँ पे डुअल रेजिस्टेंस से आप पुट्स में एंट्री कर सकते थे अब डुअल रेजिस्टेंस कौन सी एक तो लेवल हो गया जो ब्रेक नहीं हो पा रहा जो रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है सेकेंडली मॉर्निंग में ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है ना ये कैंडल पता है कहां तक बनी है ये बनी है सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस तक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एक्जैक्टली exactly, ये देखिए इससे ज्यादा मैजिकल क्या कुछ होगा मार्केट में आप देखो एग्जैक्टली मार्केट सुपर ट्रेंड पे फर्स्ट कैंडल बनाती है और रेजिस्टेंस फेस करती है और यहाँ पे डुअल रेजिस्टेंस है लेवल भी है सुपर ट्रेंड भी है पुराने लोगों को पता है डुअल रेजिस्टेंस के थ्रू जब मूव्स आते हैं तो बड़े मूव्स आते हैं और आप देखो एक्जैक्टली exactly टॉप से आप पुट्स में एंट्री कर सकते थे यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ इसीलिए सुपर ट्रेंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहली चीज़ मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए तभी तो आप ट्रेड्स बनाओगे तो ट्रेंड आपको यही बताएगा और एग्जैक्ट टॉप पे आपको पुट्स में एंट्री कर है और आप ये गजब का फॉल कैच कर सकते थे बहुत डिसेंट फॉल देखने को मिला फोर्टी टू नाइन फिफ्टी के भी बिलो आई मार्केट लेकिन यहाँ से फाइनली हमें रिवर्सल देखने को मिलता है और एक और चीज़ एक और हमारा ट्रेड था यहाँ पर अगर आप कॉल में एंट्री करते तो वहाँ इशू क्या था कि सुपर ट्रेंड सेल साइन बता रहा है कि अगर बाउंस भी आएगा तो यहाँ जाके फिर फेरोक्सटेंस फेस करेगी मार्केट ठीक है रिवर्सल वाला ट्रेड आपको याद होगा कि 43,000 पे आप रिवर्सल का ट्रेड बना सकते हो लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रेंड सेल साइन के साथ है तो अगर बाउंस भी आता है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं था सेकेंड टाइम ये ट्रेड मिला है जो हमारा 43,000 का बाउंस का ट्रेड था ना यहाँ पे भी मार्केट टेस्ट कर रही है और यहाँ पे भी मार्केट टेस्ट कर रही है कैंडल के थ्रू लेवल को लेवल है 43,000 जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था और यहाँ साथ में सपोर्टिंग क्या है कि सुपर ट्रेंड भी बाय साइन बता रहा है तो डुअल कन्फर्मेश के साथ आप फिर से ये ट्रेड बना सकते थे और आप देखिए उसके बाद क्या गजब की रैली देखने को मिली है स्ट्रेट फॉरवर्ड 43,300 के आसपास मार्केट सिंपली रैली कर जाती है बहुत अच्छे ट्रेड्स थे बैंक निफ्टी में होप सेटअप आपको समझ आ रहा है और कैसे यूज़ करना है ये भी समझ आ रहा है दो ही चीज़ें हमेशा रखनी चार्ट्स पे एक हमारे लेवल्स जो हम आपको डेली बताते हैं एंड साथ साथ सुपर ट्रेंड यूज़ करो यार मैजिकल चीज़ है वर्क करती है मेरे लिए सालों से काम किया आपके लिए भी करेगी बस ट्रस्ट करके यूज़ कर लो दोनों ही गजब के ट्रेड्स थे जो डिप को बाय करना था बताया था बाय ऑन डिप्स की मार्केट जहाँ से डिप को बाय करना था वो बहुत अच्छा ट्रेड मिला और एग्जैक्टली exactly, टारगेट तक भी आए 43,350 तक आती है मार्केट बाद में लेकिन वो काफी लेट आई वहां से डिप्स भी आए तो मैं मानता हूं कि आपका यहीं पे ऑलमोस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा लेकिन फिर भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा और यहां तो मैजिकल जैकपॉट प्रॉफिट बना ही होगा ठीक है तो आज का ओवरऑल डे था ये बैंक निफ्टी में कल के लिए सेटअप देख ले अब क्या लेवल से क्या ट्रेड से कल है एक्सपायरी क्या लेवल्स लेवल यूज होंगे देखिए इमीडिएट फिर से वही रेजिस्टेंस है फोर्टी ब्रेकआउट मिलेगा तो कॉल्स में एंट्री बनेगी ब्रेकआउट नहीं मिला ना मॉर्निंग में तभी तो नहीं बनी कॉल्स में एंट्री इनफैक्ट सुपर ट्रेंड ने बताया सेल साइन रेजिस्टेंस तो यहाँ थी ठीक है तो कल अगर ब्रेकआउट मिला तो मार्केट रैली करेगी कॉल में एंट्री 43500 पहला टारगेट उसके बाद 43700 ओवरऑल हम बोलेशी हैं डिप्स आ रहे हैं मार्केट में ये डिप्स लेकिन आपको एंट्री देंगे और मार्केट में बाउंस बैक आएगा पहले भी समझाया फिर से बता रहा हूँ ठीक है ओवरऑल अभी भी बोलेशे हम मार्केट पहला ट्रेड क्लियर है सेकेंड ट्रेड वही जो मिला भी है आज भाई डिप आया 43,000 तक मार्केट ने लेवल को होल्ड किया कंडीशन क्या है मार्केट ने लेवल को होल्ड किया कॉल्स में एंट्री करो ना कौन मना कर रहा है करो कॉल्स में एंट्री टारगेट आज टारगेट बहुत लेट आया बीच में एक अच्छा खासा डिप भी आया था तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया होगा लेकिन एग्जैक्टली exactly टारगेट तक आई जरूर है मार्केट टारगेट फिर से है 43,350 एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस होप आपको समझ आ रही होगी अब दो कॉल्स की एंट्री तो हमने डिस्कस कर ली पुट्स में एंट्री कल कैसे बनेगी देखो कल एक न्यू लेवल बता रहा हूँ लेकिन सिर्फ एक्सपायरी के लिए वो काम आएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड कल इंट्राडे में फोर्टी थ्री टू हंड्रेड लोअर साइड ब्रेक हो तो आप पुट्स में एंट्री कर सकते हैं फोर्टी थ्री थाउजेंड आपका टारगेट होगा ये तीन ट्रेड्स हैं सिंपल और क्लियर अप साइड ब्रेकआउट वाला तो कॉल में एंट्री लोअर साइड फोर्टी थ्री थाउजेंड पर मार्केट ने सपोर्ट का साइन दिया तो कॉल में एंट्री और थर्ड ट्रेड अगर 43200 थ्री टू हंड्रेड इंट्राडे में लोअर साइड ब्रेक हुआ तो पुट्स में एंट्री है 43000 आपका टारगेट होगा वहाँ श्योरली एग्जिट हो जाना है और वहाँ से रिवर्सल का ट्रेड ढूंढना है क्लियर बैंक निफ्टी का सेटअप बहुत ही सिंपल है क्लियर है ऐसे ही यूज़ करना है निफ्टी देख लो अब क्या हुआ क्या डिस्कस किया था और कल क्या सेटअप है पहली चीज़ यहाँ भी फॉल कहाँ से आया कन्फ्यूज़न नहीं थी यहाँ भी ओपनिंग रजिस्टेंस पे हुई क्या रजिस्टेंस लेवल था एटीन थ्री ट्वेंटी यही कहा था ना इसका ब्रेकआउट चाहिए अगर मार्केट को बुलिश होना अगर मार्केट्स को कॉल्स में एंट्री देनी है बताया था ना और हमारे लेवल्स वर्क करते हैं टॉप एग्जैक्टली यहीं पे बना है मार्केट का मॉर्निंग में भी और डे एंड में भी पूरी रिकवरी ज़रूर आई है लेकिन मूव लेवल से ही आया है ठीक है उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल तो कन्फ्यूजन तो थी ही नहीं कि भाई निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया हो तो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बना सकते निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे था बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे था बैंक निफ्टी में सुपर ट्रेंड की भी रेजिस्टेंस थी तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी सिंपली ट्रेड पता लग रहा था पुट्स में एंट्री करनी है मॉर्निंग में और बहुत अच्छा फॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल देखने को मिला है इनफैक्ट एटीन भी ब्रेक हुआ पहली बार और वहाँ से अच्छा डिसेंट फॉल भी आया हाँ फॉल में एक्जैक्टली एटीन तक नहीं आए एटीन टू हंड्रेड इलेवन का लो लगा है लेकिन फिर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते तो ऑलमोस्ट आप कॉस्ट पे निकल जाते इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन एटलीस्ट लॉस नहीं होता आपको इस ट्रेड में अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते उसके बाद रिवर्सल आता है मार्केट में पहली बार बाउंस आया अब ये जो रजिस्टेंस है ना जहाँ से फिर डिप देखने को मिल रहा है ये फिर से सुपर ट्रेंड की रजिस्टेंस ठीक है तो सुपर ट्रेंड ने निफ्टी में भी वर्क किया उसके बाद दोबारा 18250 के फिफ्टी अबव आती है और लेवल है हमारे तो वर्क करेंगे एक देखो क्या शार्प डिप आया है लेकिन ये डिप आपको एंट्री देने आया था और इस डिप से मार्केट ने पूरी रेंज को कवर किया रेंज क्या बताई थी हमने आपको एटीन टू फिफ्टी से एटीन थ्री ट्वेंटी और देखो एटीन टू फिफ्टी से ये बाउंस स्टार्ट होता है रैली स्टार्ट होती है और कहाँ जाके खत्म होती है एटीन थ्री ट्वेंटी में तो आज ओवरऑल एक हंड्रेड पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने वर्क किया है लेकिन आज मूव फास्ट थे तो ऑप्शन की प्राइस भी फास्ट मूव हो रहे थे अगर स्लो मार्केट होती है तो डीके देखने को मिलता है आज डीके नहीं था इतना ज्यादा आज फास्ट मूव थे सडन फॉल आया सडन रैली आई ऑप्शन के प्राइस भी बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहे थे एंड ओवरऑल लेवल्स की इंपॉर्टेंस आप जरूर देख रहे हैं एक्जैक्टली लेवल टू लेवल मार्केट ने वर्क किया डे एंड में जो टॉप बना वो लेवल था मॉर्निंग में जो टॉप बना वो लेवल था डे एंड में जो रैली आई वो एक्जैक्टली exactly लेवल से स्टार्ट हुई तो लेवल्स मार्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी गज़ब से लेवल ने वर्क किया है अब कल के लिए अगर सेटअप की बात करें क्या सेटअप है देखो के लिए पहली चीज़ हम फिफ्टीज़ के लेवल यूज़ करते हैं निफ्टी में लेवल है एटीन टू फिफ्टी पहला सपोर्ट उसके बाद एटीन टू हंड्रेड एटीन वन फिफ्टी एंड एटीन वन हंड्रेड अपसाइड रेजिस्टेंस एटीन थ्री हंड्रेड उसके बाद एटीन थ्री फिफ्टी और एटीन फोर हंड्रेड पहली चीज़ एटीन थ्री हंड्रेड को मार्केट होल्ड कर ले ठीक है डिप भी आए एटीन थ्री हंड्रेड को मार्केट ने होल्ड भी कर लिया ना तो आप यहाँ पे कॉल्स में एंट्री कर सकते हैं एटीन थ्री फिफ्टी पहला टारगेट और फिर ट्रेल करो एटीन फोर इंड नेक्स्ट टारगेट होल्ड का क्या मतलब है यहाँ पे देख लो तीन तीन कैंडल लेवल को होल्ड कर रही है ये है पहली कैंडल लेवल टेस्ट किया होल्ड किया तो साइन मिल गया आपको ट्रेड बना लो ये है सेकेंड कैंडल लेवल टेस्ट किया लेवल को होल्ड किया कैंडल की बॉडी लेवल के अबव होनी चाहिए अगर हम सपोर्ट की कैंडल देख रहे हैं अगर सपोर्ट का लेवल है तो वहाँ पे जो कैंडल की बॉडी होगी वो लेवल के अबव होनी चाहिए वही यहाँ पे दिख रहा है इस कैंडल ने भी लेवल को होल्ड किया है इस कैंडल ने भी होल्ड किया है इनफैक्ट ये थर्ड कैंडल ने भी होल्ड किया है तो ये मार्केट आपको खुद बताएगी कि कहाँ से रिवर्सल आने वाला है पर बातें करनी आनी चाहिए ऐसे साइन दे मार्केट तीन तीन कैंडल बन रही है प्ले करो रिवर्सल तो ऐसे ही कल करना है आपको अगर 18300 को मार्केट होल्ड करे कैंडल टेस्ट करे लेवल के अबव क्लोज हो कॉल्स में एंट्री ये दोनों आपके टारगेट्स होंगे लोअर साइड पुट्स में एंट्री अगर 18250 टू ब्रेक डाउन मिला जैसे यहाँ पे तो सपोर्ट का वर्क किया अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है टारगेट ये रहे आपके पास एवरी फिफ्टीज़ पे लेवल है कल पूछने की जरूरत नहीं है एक्सपायरी में एवरी फिफ्टीज़ के लेवल यूज़ करते हैं हम निफ्टी में सिंपली ये लेवल आपको यूज़ करने है एटीन टू फिफ्टी के बिलो नेगेटिव मार्केट एटीन थ्री हंड्रेड के अबव पॉजिटिव मार्केट सिंपल सेटअप ये फिफ्टी पॉइंट्स की रेंज है जिस भी साइड ये ब्रेक होगी उस साइड मार्केट का मूव आएगा क्लियर चार्ट पे क्लियर है ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं भाई ऑप्शन चेन क्या बता रही है वैसा ज़्यादा डाटा नहीं है ऑप्शन चेन में टोटल वाई भी देखो तो ट्वेंटी वन लैख एट्टी एट थाउजेंट है कॉल साइड पुट साइड ट्वेंटी लैख नाइन थाउजेंड तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ भी नहीं है ऑलमोस्ट सिमिलर ओवाई दिख रहा है टोटल वाई में भी तो अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट में और आज एक इवेंट भी है यूएस का डाटा आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो मैं लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पर लेवल्स अपडेट कर दूंगा बस एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी फेक पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना करें हमारा ग्रुप बिल्कुल फ्री है अगर आपसे कोई भी पैसा मांगा जा रहा है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो वो फ्रॉड है ठीक है उसे ज्वाइन ना करें गलती से भी हमारे ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या दिख रहा है एटीन थ्री हंड्रेड पे कन्फ्यूजन है ना सपोर्ट है ना रजिस्टेंस क्यों वन लैक सेवेंटी नाइन वन लैक एट्टी थाउजेंड टू वाई है पुट साइड कॉल साइड वन लैक सेवेंटी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा टोटल हुआ में दिख रहा है वैसा ही ऑलमोस्ट एटीन थ्री हंड्रेड पे दिख रहा है ठीक है तो यहाँ ना सपोर्ट है ना रजिस्टेंस है सपोर्ट कहाँ है सपोर्ट है एटीन टू हंड्रेड पे और रेजिस्टेंस का है रेजिस्टेंस है एटीन थ्री फिफ्टी पे वैसे तो फोर हंड्रेड पर मिलती है लेकिन अब थ्री फिफ्टी पे देखो क्या गजब की राइटिंग हुई है कॉल साइड वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड हुआ ये कॉल साइड पुट साइड ओनली थर्टी फाइव थाउजेंड तो कल के लिए रेंज है एटीन टू हंड्रेड से एटीन थाउजेंड थ्री फिफ्टी ऑप्शन सेलर्स इस रेंज को प्ले कर सकते हैं कंडीशन क्या है कि मार्केट की ओपनिंग इसी रेंज में होनी चाहिए अगर इसके अबव या बिलो ओपन होती है ना मार्केट तो आपको इन स्ट्राइक्स को सेल नहीं करना है अदरवाइज इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं ऑप्शन सेलर्स स्पेसिफिकली तो आज का ओवरऑल सेटअप यही है होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक ज़रूर कर दे इसके अलावा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर ले एंड फर्स्ट कमेंट चेक करना बिल्कुल ना भूले वहां हमारे फ्री ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक धन ब्रोकर में हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर ले एंड ट्रेलिंग लॉस का फीचर यूज करना स्टार्ट कर एक गजब का फीचर है एंड उसके बाद हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड करते हैं तो फर्स्ट कमेंट जरूर चेक कर ले इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो यार